गुजरात के सूरत में कुछ दिनों पूर्व कोडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के बच्चे हिस्सा लेने पहुंचे। प्रतियोगिता में 42 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 40 बच्चों ने विभिन्न प्रकार से पदक हासिल किया। दुर्ग जिले से टीम ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। प्रतियोगिता में बड़ी जीत हासिल करने के बाद दुर्ग वापस लौटे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग के कोच एवं खिलाड़ियों ने मीडिया को इस तरह से जानकारी दी। वहाँ बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमने तो पहली बार ये मैच खेला था और टोटल ऑल इंडिया से 4500 बच्चे आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी इस बार बहुत ही अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों का हमारे यहाँ से टोटल 57 मेडल्स आए हैं, जिसमें से दुर्ग के बच्चे 20 प्लस थे और छत्तीसगढ़ का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा इस बार। जो बच्चे 6-6 महीना प्रैक्टिस किए हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस किए, वो यहाँ 3-3 गोल्ड मेडल लेके आए, नेशनल इंटरनेशनल और फेडरेशन तीनों टूर्नामेंट में। बच्चों का उत्साह बहुत ही ज़्यादा है और आगे हमारे प्रयास है कि हम और भी ज़्यादा मेडल्स लेके आए। ये बहुत खुशी की बात है कि कुडो एसोसिएशन इन बच्चों के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं, आज ये उसका नतीजा है कि आज ये बच्चे नेशनल खेल के आए हैं और इतने पदक ये बच्चे लेके आए हैं। और बहुत खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति के लिए ये सम्मान की बात है कि आज यहाँ के बच्चे नेशनल खेलने जा रहे हैं। इसमें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी बच्चे शामिल हैं। और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगी कि आप भी इन बच्चों को सपोर्ट करिए। ऐसी बहुत सी सर, सूरत बालोद में, सूरत बारडोली में ये प्रतियोगिता थी, जिसमें हमारे बच्चे 57 टोटल मेडल्स लेके आए हैं, जिसमें लड़कियों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, लड़कों ने भी किया है, बट सभी लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और हमारे साथ टोटल 21 गर्ल्स गई थी और 22 बॉयज थे। सर, पेरेंट्स बहुत 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 खुश हैं और बच्चे तो हमारे कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। अनएक्सपेक्टेड था, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। प्रैक्टिस भी उन्होंने बहुत अच्छे से की, कोच ने बहुत मेहनत करवाई, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सो वी ऑल आर सेटिस्फाइड। जी, इन बच्चों ने सुबह शाम 3-3 घंटे प्रैक्टिस करके बड़ी कड़ी मेहनत के साथ में विदाउट इक्विपमेंट इन्होंने बहुत मेहनत किया और वहाँ जाकर के नेशनल में और इंटरनेशनल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए छत्तीसगढ़ को 57 मेडल इन्होंने दिलाया और हमारे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया। हमारे यहाँ के बच्चों को हम मैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चूँकि हमारे पास नहीं है, उस वजह से बच्चे ज़मीन में प्रैक्टिस करते हैं और उनको काफ़ी चोट लग जाती है। उस चोट के साथ बच्चों ने अपना परफॉर्म किया और गर्ल्स जो आती हैं उनके लिए भी बहुत सारी असुविधाएँ होती हैं, बेचारे बहुत मुश्किलों के साथ अपने घर से आते हैं और आ करके यहाँ पे उनको ना ही चेंजिंग रूम मिलती है, ना ही टॉयलेट मिलता है, उसके लिए असुविधा होती है। यहाँ आते हुए जो ग्राउंड में आते हैं, बहुत से जो खेलने वाले नहीं होते वो भी आते हैं, उनसे भी उनको बहुत असुविधा होती है, जिस कारण उनको ग्राउंड में आने में झिझक भी होती है। सर, सूरत के बारडोली में 14 अक्षय कुमार इंटरनेशनल कूडो टूर्नामेंट, 13 नेशनल कूडो टूर्नामेंट एवं 3rd कूडो फेडरेशन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 3 जिलों के 42 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 13 गोल्ड, 13 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल छत्तीसगढ़ की टीम ने वहाँ से जीत कर लाए। सबसे कम उम्र का बच्चा हमारे पास आशुतोष डरसेना है, वो करीब 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है और वो 2 टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट और फेडरेशन टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आया है। सर, बहुत उत्साह है ये, और इतना सारा मेडल छत्तीसगढ़ में पहली बार आया है और अभी नया गठन हुआ है कूडो एसोसिएशन छत्तीसगढ़, जिसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया है।